इसका जमाना गया। आज है हमारे सामने प्रॉप जैक की शटरिंग। प्रॉप जैक बल्ली से क्यों बेटर है? ये अगर हम कोई भी लेंटर डाल रहे हैं तो ये प्रॉप जैक हमारे लिए बल्ली के शटरिंग से हमेशा बेटर होता है। उसकी बहुत सारी वजह है। इसको हम लोग हाइटली एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हमें कोई बल्ली की तरह कुछ काटना पीटना नहीं पड़ता। सेकंड थिंग, इसकी ये इतना मजबूत जैक होता है, हमारा लेंटर का जितना भी प्रेशर है, जब आरएमसी से हम मशीन से लेंटर डाल रहे होते हैं तो सारा जब भी एक साथ मसाले का जब लोड आता है तो उससे ये वाइब्रेट नहीं करेगा या हिलेगा नहीं, ये पूरी तरीके से मजबूती से नीचे तक खड़ा रहता है। बल्ली की शटरिंग में क्या होता है, बल्ली में आपको जब आरएमसी से आप लेंटर डाल रहे हो या मशीन से मसाला एक साथ इकट्ठा होकर गिरता है उसके ऊपर, तो उसमें आपका जैक ये प्लाई हिल सकती है, और प्लाई अगर वो गिर गई, आपकी बल्ली वाली शटरिंग अगर नीचे गिर जाती है तो उसमें आपका अच्छा खासा लेंटर डैमेज हो सकता है। मतलब और कुछ जगह पर हमने ऐसा भी सुना है कि जहाँ पर लोगों ने पूरा लेंटर डालते हुए पूरी उनकी छत ही नीचे गिर गई। तो उसका कारण यही होता है कि लोग बल्ली पर लेंटर डालते हैं। बल्ली पर लेंटर ना डालकर आप जैक प्रॉप जैक से लेंटर डालें, ये बहुत बेटर है। इसमें हर तरीके से आपको मजबूती इंश्योर करता है कि आपकी पूरी मजबूती रहेगी, और सबसे बड़ी बात फिनिशिंग से आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बल्ली में क्या होता है कि आपकी फिनिशिंग उस लेवल की नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ बल्ली थोड़ी सी नीचे हो गई, कुछ थोड़ा सा खिसक गई है, कुछ क्या बल्ली क्या होता है, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं कि बल्ली के नीचे ईंट लगा देते हैं। अब ईंट जब इतना बड़ा लेंटर का प्रेशर एक बल्ली के नीचे ईंट पर आता है तो कई बार क्या देखते हैं हम लोग कि ईंट टूट जाती है। ईंट टूटने की वजह से बल्ली नीचे आ जाती है, बल्ली नीचे आने की वजह से आपका लेंटर जो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉप जैक से लेंटर डाले, शटरिंग करें, इसमें आपका फिनिशिंग भी आएगी, मजबूती भी आएगी, आप बेफिक्र होकर निश्चित होकर आराम से लेंटर डालें, प्रॉप जैक से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू।